के इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 6GB रैम वाला जो फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, जो कम प्राइस में आता है, उन टॉप 10 फ़ोनों की लिस्ट आज मैं आपको देने वाला हूँ। और ये सारे के सारा फ़ोन फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, अमेजोन से मैं अभी तक नहीं लिया हूँ, लेकिन ये 10 फ़ोन फ्लिपकार्ट में अभी अवेलेबल है दोस्तों, और कुछ कुछ फ़ोन तो सेल में भी चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एकदम लास्ट में आपको पता चलेगा दो स्मार्टफोन जो कि बहुत ही कम प्राइस पे दोस्तों अभी 6GB रैम के साथ आता है दोस्तों और अवेलेबल भी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहला जो है रियलमी 7 दोस्तों, जो कि 14,499 रुपये मतलब कि 15,000 रुपीज़ में आता है, जिसमें आपको 6GB रैम के साथ मिल जाएगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और 256GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, क्वाड कैमरा मिलता है दोस्तों आपको इसमें रियलमी 7 में दोस्तों, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh का बड़ा सा बैटरी मिलता है, मीडियाटेक हेलो G10 प्रोसेसर इसमें आपको दिया गया है और दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग रियलमी 7 एक नंबर हो गया है दोस्तों। दो नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो है रियलमी नार्जो 20 प्रो, ये भी 6GB रैम के साथ आता है, एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है दोस्तों और मीडियाटेक हेलो G95 प्रोसेसर के साथ आता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस फ़ोन को भी आप लोग खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी 6GB रैम के अंदर ही पड़ता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 256GB तक इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको मिल जाता है, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, क्वाड कैमरा है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh का बड़ा सा बैटरी इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तीसरी फ़ोन की तरफ, तो तीसरे में जो फ़ोन है वो है ओप्पो A31 दोस्तों, जो कि 14,990 रुपये इसमें मतलब 15,000 ही पड़ जाता है, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आता है, मीडियाटेक हेलो P35 प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है दोस्तों, 6GB रैम के साथ आता है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का जो कि कम है दोस्तों, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और मीडियाटेक हेलो P35 प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है। तो फिर उसके बाद जो फ़ोन आता है वो है रियलमी 5 प्रो दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 6GB रैम के साथ, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, क्वाड कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है दोस्तों, इसका प्राइस है 14,999 रुपये दोस्तों, 4035 mAh का बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है दोस्तों, स्नैपड्रैगन 712 मतलब 712 वाला प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है दोस्तों रियलमी 5 प्रो में दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगली फ़ोन की तरफ, वो है पोको M2 प्रो दोस्तों, इसमें भी आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है दोस्तों, 6GB रैम दोस्तों, जो कि अच्छी बात है, फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, एंड्रॉयड 10 के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा पोको M2 प्रो में दोस्तों। और इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, क्वाड कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, बैटरी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 5000 mAh का बड़ा सा बैटरी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगली फ़ोन की तरफ, जो कि है रियलमी 6i दोस्तों, इसमें आपको एंड्रॉयड 10 के साथ मीडियाटेक हेलो G90T प्रोसेसर मिल जाता है दोस्तों, जो कि 6GB रैम के साथ आता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि प्राइस है 13,999 मतलब 14,000 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है रियलमी 6i का, और 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है दोस्तों, और क्वाड कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, 4300 mAh का बैटरी है दोस्तों, यही है रियलमी 6i दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगली फ़ोन की तरफ, जो कि रेडमी की तरफ से आता है, जो कि रेडमी नोट प्रो
5 प्रो दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 7 नोवट दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6636 दोस्तों, जो कि ठीक नहीं है, काफ़ी पुराना है दोस्तों, लेकिन इसका प्राइस भी काफ़ी है दोस्तों, जो कि 14,990 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है, मतलब कि 15,000 करीब करीब प्राइस रखा गया है। इसमें आपको मिलता है 6 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 इंची फुल HD डिस्प्ले, 4000 mAh का बैटरी, डुअल कैमरा जो कि 12 MP और 5 MP का है, और सेल्फी कैमरा 20 MP। तो ये फ़ोन अगर आप मिल के रहते तो ही तो बेहतर है दोस्तों, 15,000 में इतना अच्छा अच्छा स्मार्टफोन अभी आ गया है दोस्तों। और जो दूसरा फ़ोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे फ़ोन है, जो कि पोको M2 बहुत ही कम प्राइस पे 6 GB रैम आपको प्रोवाइड करता है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ दोस्तों, जो कि है पोको M2 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पोको M2, इसका पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिए, अभी मैं बोलने वाला हूँ दोस्तों। इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 मीडियाटेक हेलो G80 प्रोसेसर मिल जाता है दोस्तों। इसमें आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 512 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको मिलता है 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, क्वाड कैमरा मिल जाता है 13 MP, 8 MP, 5 MP और 2 MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है, 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000 mAh का बड़ा सा बैटरी इसमें आपको दिया गया है। अब Realme 1 दोस्तों, ये है बहुत ही कम प्राइस पे, मतलब 11,000 रुपीज़ के अंदर आपको प्रोवाइड करता है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दोस्तों, जिसका प्राइस है 11,000 रुपीज़, 10,999 रुपीज़ Realme 1 दोस्तों, ठीक है। और एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है, जो कि ठीक ठाक है, और इसमें आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 13 MP रियर कैमरा, 3410 mAh का बैटरी प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते दूसरी फ़ोन की और आखिरी फ़ोन की तरफ, जो कि है Xiaomi U7 दोस्तों, एंड्रॉयड 7 नोवट के साथ आता है, इसका प्राइस है 9,799 रुपये, यही सबसे कम प्राइस पे दोस्तों 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको मिलता है 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और मिलता है फुल HD डिस्प्ले जो कि 6 इंची का मिलता है, 13 MP रियर कैमरा, 13 MP फ्रंट कैमरा, 3100 mAh का बैटरी दोस्तों, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक और भी अच्छा अच्छा लुक मिलता है दोस्तों, और इस फोन का जो लुक है, डिज़ाइन है, वो भी काफ़ी हद तक मेरे को पसंद आया है दोस्तों। अब आप लोग फ्लिपकार्ट में सर्च करके दे सकते हैं, कोई सा भी स्मार्टफोन आप लोग खरीद सकते हैं इनमें से। यही था 6 GB रैम वाला टॉप 10 फोन दोस्तों, जो कि पहले लिस्ट में आता था, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं कि टॉप टेन 6 GB रैम स्मार्टफोन, तो यही सारा आपको कम प्राइस में आगे दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की डेट मान लीजिए है 29 सितंबर, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको दिखाई देगा। और सबसे जो मेरे को लगा अच्छा फ़ोन है, उसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, वो है पोको M2 दोस्तों। आप लोग खरीद सकते हैं 12,500 के अंदर, और अगर आप लोग पोको M2 को नहीं खरीदते हैं तो आप लोग ज़रूर खरीद सकते हैं। जो स्मार्टफोन का रिव्यू मैं पहले किया था दोस्तों, रियलमी की तरफ से आता है, वो था रियलमी, बोलता हूँ अभी एक मिनट, रियलमी नर्जो 20 भी अच्छा है, 20 प्रो भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लेना चाहिए रियलमी 7 दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी है। 64 MP का क्वाड कैमरा इसमें आपको मिल जाता है, 5000 mAh का बड़ा सा बैटरी भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें एंड्रॉयड 10 के साथ आता है दोस्तों, स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं रियलमी 7 को दोस्तों, ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, ठीक ठाक। और 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, इसी तरह का स्मार्टफोन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए दोस्तों, स्मार्टफोन के रिव्यू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले। तो भाई आज के लिए वीडियो इतना ही था, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा बहुत जल्द।